प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। इस वक्त मेरे साथ एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया हैं। हमेशा की तरह एम्स COVID-19 के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें भी लीडिंग लाइट की तरह काम कर रहा है। सर ने बड़ा कीमती वक्त निकाल के द प्रिंट को दिया है। सीधे सवालों पे चलते हैं सर। प्रधानमंत्री अपने पिछले एक दो वीडियोस में मुंह पे गमछा पहने नजर आए, आपके हिसाब से उसको सिंबॉलिकली देखा जाए या गमछा जो है वो मास्क का विकल्प हो सकता है? हम सबको, अगर हम बाहर जाते हैं तो हम सबको कपड़े का मास्क डालना चाहिए। हॉस्पिटल में हॉस्पिटल वाले जो मास्क हैं, जो सर्जिकल मास्क हैं या N95, वो डॉक्टर्स के लिए छोड़ने, डॉक्टर्स को वो डालना है। लेकिन जो आम जनता है उनको आप घर पे सी के दे सकते हैं या मार्केट में मिलते हैं क्लॉथ के जो मास्क हैं वो डालें। सब लोग अगर ये डालेंगे तो एक इंसान से दूसरे इंसान में इन्फेक्शन कुछ हद तक रुक सकता है और कम्युनिटी स्प्रेड हम इसको नहीं होने देंगे। सर एक सवाल ये है कि अमेरिका और चाइना को डेथ का जो नंबर है खासतौर पे न्यूयॉर्क और वुहान जैसे सिटीज में, उसको रिवाइज करना पड़ा है, तो ऐसा कोई पॉइंट आ सकता है जहां पे हमें अपने नंबर्स रिवाइज करने पड़े अंडर टेस्टिंग की वजह से? तो मेरा ये मानना है कि इसमें दो तीन चीजें आए। एक तो इशू ये है कि हमें टेस्टिंग करनी चाहिए देखने के लिए कि हम उस पॉइंट टेस्टिंग करके कोई पॉलिसी डिसीजन या आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से करें। जब शुरू में हमने टेस्टिंग की थी तो हमने जो बाहर से लोग आ रहे थे उनकी की थी क्योंकि हमें पता था ये वायरस बाहर से आएगा। उसके बाद हमने टेस्टिंग की और जो अभी भी हम कर रहे हैं कि जो हॉस्पिटल में लोग एडमिट हो रहे हैं जिनको सीवियर निमोनिया हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो वायरस है ये निमोनिया करता है, उनकी हम टेस्टिंग कर रहे हैं, चाहे वो कॉन्टैक्ट में आए हों चाहे ना आए हों, तो उनकी हम सारों की जाँच कर रहे हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। और उसके अलावा अब हॉटस्पॉट्स में और लोगों की भी जाँच की जा रही है। तो आस्ता आस्ता टेस्टिंग जो है वो बढ़ रही है। एक महीना पहले हम कोई 1,000-2,000 टेस्टिंग कर रहे थे, अब हम 30,000 से ज़्यादा टेस्टिंग रोज की कर रहे हैं। तो टेस्टिंग भी बढ़ रही है जैसे जैसे डिमांड और नीड की बढ़ रही है। दूसरा, जैसे आपने कहा कि आंकड़े जो उन्होंने रिवाइज किए हैं उनके जो आंकड़े हैं वो बेस्ड ऑन 2 or 3 अदर चीज़ें हैं कि उनकी जो नॉन हॉस्पिटल डेथ्स जो हुई हैं स्पेशली जो यूरोप में और डेवलप्ड वर्ल्ड में है कि कई डेथ्स नर्सिंग होम्स में हुई हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बुजुर्ग लोग इकट्ठे थे, टेस्ट नहीं हो पाए, उनकी एकदम डेथ हो गई। हमारे यहाँ कोई ऐसा नर्सिंग होम या उस टाइप की ओल्ड एज होम फैसिलिटीज ज़्यादा नहीं है। दूसरा, जैसे हम ये कह रहे हैं कि डेथ्स ज़्यादा हुई होंगी, उसी हिसाब से मेरा ये मानना है कि एसिम्प्टोमैटिक या माइल्ड सिम्प्टोमैटिक वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनकी टेस्टिंग नहीं हुई और जो हम बाद में जब सर्वेलेंस करेंगे तो हम पता चलेगा कि ये काफ़ी तादाद में ऐसे लोग थे जिनको हमने टेस्ट नहीं किया लेकिन इनको कोविड इन्फेक्शन हुआ और ये बिल्कुल ठीक हो गए। तो अगर हम बाद में एक्चुअली जब हम स्टैटिस्टिक्स निकालेंगे कि एक्चुअली इस बीमारी से कितने डेथ्स हो रहे हैं तो मुझे ये लगता है कि बाद में वो फिगर और कम हो जाएगी, क्योंकि एसिम्प्टोमैटिक लार्ज नंबर जो एसिम्प्टोमैटिक लोग हैं उनकी तो जाँच हो ही नहीं रही है और उनको कोविड इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे हम कई दफ़ा देख रहे हैं, कई कंट्रीज में ये पाया जा रहा है जो एंटीबॉडी टेस्टिंग को देख रहे हैं। ठीक सर, ये इसमें जो आपने बातें बोली उसी में से दो सवाल निकल के आ रहे हैं। हिंदी का जो ऑडियंस है वो एसिम्प्टोमैटिक को कैसे समझे, एक, और दूसरा रैपिड टेस्टिंग के साथ कौन सी बात है जो गड़बड़ हो गई जिसकी वजह से राज्यों को अगले 2 दिनों तक इसको नहीं इस्तेमाल करने को बोला गया? तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर हम एसिम्प्टोमैटिक के मतलब कि जिनको या तो कोई लक्षण नहीं है या बहुत मामूली से लक्षण है जो उनको लगता है कि ये कोविड टाइप के नहीं हो सकते क्योंकि इसमें कोई इतना प्रॉब्लम उस टाइप की नहीं है जो वो देख रहे हैं, थोड़ा सा बुखार हुआ, दर्दें हुई, गले में खराश हुई 4-5 दिन के लिए और ठीक हो गई, तो वो कई दफ़ा लोग सोचते हैं ये तो सीजनल आम बुखार है, ये कोविड नहीं हो सकता, पर ये भी कोविड के लक्षण है और कई लोगों में ऐसा ही हो रहा है। और अगर हम अपने भी आंकड़े देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पेशेंट्स हैं जिनको जो पॉजिटिव पाए गए हैं वो या तो बिल्कुल माइल्ड सिम्टम से हैं या कोई सिम्टम नहीं है उनको, तो इसलिए ये एक तो ये समझना ज़रूरी है कि इस बीमारी में 80-90% जो लोग हम देख रहे हैं उनको बिल्कुल मामूली सिम्टम है या कोई सिम्टम नहीं, उनको क्वारंटाइन कर रहे हैं लेकिन उनको ऑक्सीजन की या वेंटिलेटर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही, इसलिए वो बिल्कुल ठीक है। दूसरा बात रैपिड टेस्टिंग का, रैपिड टेस्टिंग में ऐसा कोई गड़बड़ नहीं है, मेरा ये समझना है कि लोग रैपिड टेस्टिंग को समझ नहीं पाए हैं। अगर हम ये देखें रैपिड टेस्टिंग और जो हम गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं RT-PCR, उसमें क्या फ़र्क है?
जो हमारा आरटीपीसीआर है वो वायरस को ढूंढता है। हम एक जैसे आपको इन्फेक्शन हुआ उसके अगले कुछ दिनों में आपके नाक और गले में वायरस जो है वो रेप्लिकेट करना शुरू करता है, बढ़ना शुरू होता है, उसके कई हज़ारों में कॉपीज़ बन जाती है, हज़ारों में मल्टीप्लाई करता है वो। हम एक स्वैब लेके वो देखते हैं कि आपके शरीर में वायरस है या नहीं, और अगर वो आपके नाक में या गले में वायरस पाया जाता है तो हम ये कहते हैं कि आपको COVID-19 इन्फेक्शन है, क्योंकि आपके नाक और गले में वायबल ग्रोइंग वायरस पाया गया है, वो एक गोल्ड स्टैंडर्ड है। जैसे आपको इन्फेक्शन होता है आपका बॉडी भी रिएक्ट करता है, और लोगों में कुछ दिन बाद, जो 7 दिन भी हो सकता है, 10 दिन भी हो सकता है, 13-14 दिन भी हो सकता है, और सारे लोगों में अलग अलग रिस्पॉन्स आता है, अपनी अपनी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है, एंटीबॉडीज बनती हैं। जब हमें कोई भी इन्फेक्शन होता है हमारी बॉडी उसको फाइट करती है, और उसको फाइट करने के लिए हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडीज बनाती है। जो हम रैपिड टेस्ट करते हैं वो एंटीबॉडी बेस्ड है, वो हम देखते हैं कि हमारे शरीर में कितनी एंटीबॉडीज बनी, और वो एक खून की जांच करके देखते हैं कि क्योंकि वो एंटीबॉडीज़ खून में होती हैं, तो वो हम देखते हैं कि वो कब आपकी अब है या नहीं, और इसका ये मतलब है कि आपको इन्फेक्शन हुआ है और पास्ट में भी हो सकता है। अगर मुझे आज COVID-19 इन्फेक्शन हुआ है, मेरे एंटीबॉडीज हो सकता है 10 दिन बाद बने, 12 दिन बाद बने, तो अगर मैं टेस्ट जल्दी करूँगा, 5वें दिन में 7वें दिन में करूँगा, तो वो टेस्ट नेगेटिव आएगा, और ये एंटीबॉडीज़ कई महीने तक रह सकती हैं। तो जब मैं बिल्कुल ठीक भी हो जाऊँगा और मैं अपनी खून की जांच कराऊंगा तो मुझे फिर भी ये टेस्ट पॉजिटिव आएगा, तो इसका ये मतलब नहीं कि मुझे फिर इन्फेक्शन हो गया। एंटीबॉडी टेस्ट जो है उसका सिर्फ यूटिलिटी वही है कि वो सर्वेलेंस करके ये बता सकते हैं कि इस कम्युनिटी में कितने लोग हैं जिनको इन्फेक्शन हुआ और उनके एंटीबॉडीज बन गई। वो डायग्नोसिस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं, क्योंकि पहले कुछ दिन में जब हम डायग्नोसिस करना चाहते हैं पहले हफ्ते के अंदर, तब तक शरीर में एंटीबॉडीज नहीं बनती। इसलिए अगर हम ये सोचें कि ये रैपिड टेस्ट को रिप्लेस कर देगा और ये ऐसा टेस्ट है जो हमें आधे घंटे में बता देगा कि हमें कोविड इन्फेक्शन है या नहीं, तो वो एक गलत धारणा है। एंटीबॉडी टेस्ट आपको ये बताया कि आपको इन्फेक्शन हुआ पिछले कुछ दिनों में, हफ्ता 10 दिन पहले, और आपके शरीर ने रिएक्ट करके उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना दी। तो ये इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एंटीबॉडीज़ हैं, और जो हम पहला टेस्ट कर रहे थे वो वायरस को ढूंढता है, इसलिए दोनों में बहुत अंतर है और दोनों को हम इंटरचेंज नहीं कर सकते। मैं सर वापस से मतलब मेरा सवाल शायद थोड़ा सा रह गया कि अभी जो स्टेट्स को जो मनाही की गई 2 दिनों तक रैपिड टेस्ट किट नहीं यूज करने के लिए, स्पेसिफिकली उसमें कहाँ पे प्रॉब्लम आई सर? नहीं, उसमें प्रॉब्लम नहीं। ICMR ने आज फिर अपनी गाइडलाइन फिर से रिवाइज करके डाली है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ वो कह रहे हैं कि आप इस किट की जो यूटिलिटी है उसको समझें और उसको समझ के इसको यूज करें। मतलब यूटिलिटी का है? हाँ, मतलब ये है कि अगर आप ये कहोगे कि हम पहले 5वें दिन में या शुरू शुरू में ही टेस्ट करेंगे और पॉजिटिव आना चाहिए, तो वो तो आएगा ही नहीं, जैसे मैं आपको अभी समझा रहा था, क्योंकि टेस्ट की पॉजिटिविटी ही बाद में आएगी। दूसरा ये भी समझने की जरूरत है कि इसमें एक दो और चीज़ें जुड़ जाती हैं। एक चीज़ जुड़ जाती है कि हमारी कम्युनिटी में किस लेवल से इम्यूनिटी डेवलप होती है। कई लोगों की बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक है, न्यूट्रिशन कम है, कमज़ोर है, या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, उनमें ये एंटीबॉडीज इतनी तादाद में नहीं बनेगी और हो सकता है कि वो टेस्ट में आए ना। दूसरा है कि फील्ड कंडीशन में ये टेस्ट कैसा करता है, क्योंकि इस टेस्ट इतना आसान नहीं है। आपको 3 ड्रॉप जो ब्लड जो डालना है वो ठीक मात्रा में डालना है, उसके ऊपर एक बफर डालना है, उसके बाद अगर वो बहुत गर्म में, जैसे हमारे अब कई भारत के हिस्से जहाँ गर्मी बहुत है, हीट में ये टेस्ट कैसा परफॉर्म करता है। आपने कहा था कि जो वैज्ञानिक भारतीय वैज्ञानिक उन्होंने डेटा को एनालाइज करके डिसाइड किया है कि जो HCQ है वो मेडिकल स्टाफ जो है हमारा जो COVID-19 को ट्रीट कर रहा है उनको, या जो सुपरवाइज कर रहे हैं स्टाफ क्वारंटीन के लोग उनको दिया जा सकता है। तो ये जो हमारे साइंस कोरिस्पोंडेंट्स हैं द प्रिंट के, उन्होंने पूछा है कि वो डेटा कौन सा था जिसको एनालाइज किया गया है, और दूसरा सवाल ये है कि जिनको COVID-19 नहीं है उनको आखिर ये मेडिसिन क्यों दिया दिया जा रहा है या क्यों दिया जा सकता है। तो पहले तो ये समझ लें कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो हम कह रहे हैं ये दवाई नहीं है। इंडिया में तो काफ़ी यूज होती है, और अगर इसीलिए
इंडिया में बनती है और इसलिए और कंट्रीज यूएस भी इंडिया से दवाई मांग रहा है। स्टडीज जो आई, एक चाइना से आई है, एक से है, सेल कल्चर का भी डेटा है और एनिमल स्टडीज की भी का डेटा है, जिसने ये शो किया कि ये जो ड्रग है ये वायरस की रेप्लिकेशन, मतलब वायरस जो मल्टीप्लाई करता है उसको रोक सकती है, उसको कम कर सकती है। और ये लगा कि अगर किसी भी व्यक्ति को एक्सपोजर हुआ हो और वायरस अभी उसके शरीर में आया ही हो और अगर हम उसको प्रोफिलैक्सिस पॉइंट ऑफ व्यू से दे दें तो शायद ये वायरस को रेप्लिकेट ना करने दे और इन्फेक्शन शायद ना हो या इतना सवेयर नहीं होगा, और इसलिए ये दवाई ट्राई की जा सकती है। क्योंकि ये है कि ये सेफ है, हम बड़े सालों से यूज़ कर रहे हैं और कुछ लैब डेटा और कुछ क्लिनिकल स्टडी सजेस्ट करती है कि वायरल रेप्लिकेशन को ये रोकती है। उसके साथ हमें ये लगा कि इसको हम ऐसे ग्रुप में दें जहाँ को हम जिनको हम क्लोजली मॉनिटर कर सकते हैं साइड इफेक्ट के लिए। तो वो दो ग्रुप्स थे, एक थी हेल्थ केयर वर्कर्स, क्योंकि वो तो खुद ही हेल्थ के सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, उनको हम मॉनिटर कर सकते हैं, और दूसरे क्लोज कॉन्टैक्ट ऑफ अ पॉजिटिव पेशेंट, क्योंकि उनको भी हम मॉनिटर कर रहे हैं कि वो कोई इन्फेक्शन तो नहीं होता है, तो हम उनको भी देख सकते हैं। तो इन दोनों ग्रुप में रिकमेंड किया गया कि दिया जाए, और इन दोनों ग्रुप के कई स्टडीज़ हो रही हैं, फार्माकोविजिलेंस की साइड इफेक्ट्स तो नहीं ज़्यादा हैं, एफिकेसी की काम कर रही है नहीं। कल जो सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें बोला गया है कि जो लार्जर ग्रुप के लार्जर ग्रुप पे जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसके थ्रू जो स्टडी आई है उसमें जिनको हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दिया गया विद और विदाउट एजिथ्रोमाइसिन, उनमें जिनको ये मेडिसिन दी गई उनमें मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, आपने वो रिपोर्ट देखी होगी सर। तो इसके बाद हम अपनी स्ट्रेटजी चेंज करेंगे, तो अगेन इसको एवेल्युएट करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये जो दवाई है ये वायरल, जो स्टडीज पहले आई थी उस पर वायरल रेप्लिकेशन को रोकती है। अगर हम इस दवाई को बाद में दें जब वायरस ऑलरेडी रेप्लिकेट कर चुका है और ऑलरेडी वो ग्रो काफ़ी मात्रा में वो रेप्लिकेट कर चुका है, तो इस दवाई की एफिकेसी कम होगी और काम नहीं करेगी। इसलिए हमारा ये मानना है और इसलिए हम इनको अर्ली स्टेज में या जो एसिम्प्टोमेटिक एक्सपोजर वाले लोगों में ज़्यादा फायदा होने के चांसेस हैं, जिनको ऑलरेडी वायरल इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, जिनको मॉडरेट टू सीवियर इलनेस है जिसमें वायरल रेप्लिकेशन ऑलरेडी हो चुकी है, उसमें चांसेस कम है। इसलिए जैसे जैसे आप कह रहे हो जैसे जैसे और स्टडीज आएंगी उसको वैल्यूएट किया जाएगा, और हो सकता है कि हमारी जो गाइडलाइंस है वो चेंज हो, वो तो बात सही है कि हमें देखना पड़ेगा। सर एक सवाल ये कि काफी सारे हॉस्पिटल्स इंडिया में ऐसे आए जहां मेडिकल स्टाफ पॉजिटिव पाए गए उसके बाद पूरे एस्टेब्लिशमेंट को ही शटडाउन करना पड़ा, हमारे स्ट्रेटजी में कहीं कमी रह गई सर, हमें मतलब ये पॉलिसी या गाइडलाइन हम पहले नहीं बना पाए कि हॉस्पिटल्स को किस तरीके से ऑपरेट करना है, शायद उसको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है हम लोगों को। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इसमें दो चीजें, एक तो पहले ये है कि अगर किसी जगह पे कोई पॉजिटिव भी आ जाए तो गाइडलाइंस क्लियरली कहती है कि उस एरिया को सैनिटाइज करना चाहिए और जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं उनको क्वारंटाइन करना चाहिए, हॉस्पिटल शटडाउन करने की कोई जरूरत नहीं है। WHO को कंसिस्टेंटली कोट किया जाता है, WHO को लगातार रिफर किया जाता है। एक जो बात है, एक जो रिकमेंडेशन है WHO का टेस्ट टेस्ट टेस्ट, उसका कहीं ना कहीं इंडिया में कॉन्ट्रडिक्शन नजर आता है। जो हम बार बार ये कह रहे हैं कि हमारी अपनी पॉलिसी है जो कि बेहतर है WHO के रिकमेंडेशन से या साउथ कोरिया कंपैरिजन में, तो अगर कोई इंडियन ऑडियंस समझना चाहे सर कि वो कैसे बेहतर है इन कंपैरिजन विद WHO रिकमेंडेशन और साउथ कोरिया, तो आप क्या जवाब देंगे सर? पहली चीज समझने की जरूरत है कि हमारी कंट्री और कंट्रीज में बहुत फर्क है। हमारे कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम ये कहें कि हम सिर्फ 5% सारी पॉपुलेशन को टेस्ट करें, आप तो साउथ कोरिया में कह रहे हैं सारे लोगों को किया कि, मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ 5% पॉपुलेशन को हम टेस्ट करें तो वो कोई 7 करोड़ के करीब लोग बनते हैं। एग्जैक्टली 7 करोड़ तो टेस्ट पूरी दुनिया में नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि हमें अपनी तरफ से पूरे वो लॉजिक देख के और क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसको देखने की जरूरत है, क्योंकि हमारा रिसोर्सेज वी हैव टू सी कि हम अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमली कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर ये कहता कि हम टेस्ट कम कर रहे हैं और हमारी टेस्टिंग जो है वो स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है, तो जैसे जैसे हमने ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग की होती है और हॉटस्पॉट्स में की है, हमने क्लोज कॉन्टैक्ट्स में की है जहाँ पर हम ये कहें कि ज़्यादा चांसेज हैं कि पॉजिटिव होंगे, हमारे परसेंटेज जो पॉजिटिविटी है वो प्रोपोर्शनेटली नहीं बढ़ा। अगर हम यही कहें कि हम हमारी जो टेस्टिंग है वो हम गलत कर रहे थे, तो हमारा एकदम स्पाइक होना चाहिए था जब हमारी टेस्टिंग जो है वो 1200-1400 से लेके 30,000 तक पहुंच गई, लेकिन परसेंटेज पॉजिटिविटी उतनी ही रही है। तो इसका यही मतलब है कि हमारी जो स्ट्रेटजी है
वो कुछ हद तक ठीक चल रही है। हम जो इन्फेक्शन है सर उसको रिवर्स कर पा रहे हैं, लॉकडाउन वर्क कर रहा है। आप जो पहले कह रहे थे कि कुछ पॉकेट्स में जो है वो हम थर्ड स्टेज में हो सकते हैं, आप अभी भी उस पे कायम है सर? नहीं नहीं, मैंने तो ये कहा ही नहीं था, मैंने ये कहा था कि हॉटस्पॉट्स में हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हॉटस्पॉट्स ऐसा एरिया है जहाँ से हम थर्ड स्टेज पे जा सकते हैं। जो हिंदी का ऑडियंस है वो कर्व फ्लैट करने को कैसे समझे, फ्लैटनिंग ऑफ कर्व को हिंदी का ऑडियंस कैसे समझे, और हम लॉकडाउन के साथ कर्व फ्लैटन कर पा रहे क्या सर? बिल्कुल, तो हम फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व का ये मतलब है कि अगर हम हर रोज के आंकड़े देखें और देखें कि हमारे जो केसेस हैं वो जो हम डायग्नोज कर रहे हैं वो कितनी देर में डबल हो रहे हैं। अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड का डेटा देखें तो वो जो थे वो डबल 3 दिन या 4 दिन में हो रहे थे। अगर आपके 1000 केस आज हैं तो 3 दिन में 2000 हो जा रहे थे, और उसके 3 दिन में फिर वो 4000 हो गए, और उसके अगले 3 दिन में 8000 हो गए। तो ये हम देखते हैं कि अगर डबलिंग कैसे हो रही है, और अगर इससे भी कम दिनों में डबल हो रही हो तो इसका ये मतलब कि जो हमारा कर्व है वो और तेज़ी से ऊपर को जा रहा है। जब हम फ्लैटन कर रहे हैं तो उसका मतलब हमारा जो कर्व है वो आस्ता आस्ता डबलिंग जो हो रही है केसेस की वो इतनी नहीं हो रही, और हम इसलिए हमारे पास जो केसेस हैं वो एकदम इतनी मात्रा में नहीं आ रहे। अगर हम देखें जब लॉकडाउन से शुरू हुआ था तो तब हमारा जो डबलिंग टाइम था वो कोई 4.5 दिन का था। अब अगर हम हमारा डबलिंग टाइम देखें तो ऑलमोस्ट 7 दिन का हो गया है। इसका मतलब हमारे जो कर्व है जैसे जैसे जो बढ़ना चाहिए था, जैसे बाहर देशों में बढ़ा है और ज़्यादा जल्दी केसेस आने लगे, उस हिसाब से हमारे देश में जो केसेस हैं वो इतने जल्दी बढ़ नहीं रहे और वो कुछ हद तक कम ही हो रहे हैं डबलिंग टाइम पॉइंट ऑफ व्यू। लोगों के मन में एक बेचैनी है, लगभग हर कोई जानना चाहता है देश में कि प्रोबेबिलिटी क्या है लॉकडाउन खुलने की, आपके हिसाब से लॉकडाउन कब तक खुलना चाहिए? ये तो बहुत मुश्किल सवाल है कि कब तक खुलना चाहिए। एग्जैक्टली, ये मेरा ये मानना है कि हमें जो लॉकडाउन है उसको इस तरह से देखना चाहिए कि कहाँ पे हम ये कहें कि केसेस बिल्कुल नहीं है या बहुत कम है और वहाँ पे हम ग्रेडेड लॉकडाउन लिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन जो हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस अभी भी हैं वहाँ पे लॉकडाउन उठाना तो मुश्किल होगा क्योंकि फिर एकदम केसेस बढ़ जाएंगे। हमें स्ट्रैटेजी बनानी है कि लॉकडाउन के बाद भी एकदम केसेस ना बढ़ें। तो ये वायरस एक बहुत स्मार्ट वायरस है, ये मौका ढूंढ रहा है किस तरह से वो और लोगों में फैले, अपने नंबर्स बढ़ाए। तो हमें उसको फाइट करने के लिए सारे लोगों को खुद मिलके कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करके, ये लड़ाई लोगों की लड़ाई है, हमें सब इकट्ठे लड़के ही ये देखना है कि ये वायरस जो है आगे ना फैल पाए। ठीक है सर, एक बात आपने एक अपने इंटरव्यू में बोला था कि अप्रैल सेकेंड वीक में हम ये देखने की स्थिति में होंगे कि गर्मी का इस वायरस पे क्या असर पड़ता है, कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है सर? तो मेरा ये मानना है कि इतना कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, और इसके दो कारण हैं। एक तो अगर हम देखें कि और कहीं देश हैं जहाँ पे गर्मियाँ हैं, जैसे सिंगापुर है, साउथ अमेरिका के देश हैं, ब्राज़ील है, उनमें भी अभी केसेस कम नहीं हुए, बढ़ रहे हैं। हमारे भी साउथ में कई शहर हैं जहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं, तो गर्मी से अगर कम होने होते तो एकदम कम होने शुरू हो गए थे, क्योंकि अब टेम्परेचर 30 से ऊपर जा रहा है, 40 तक पहुँचने लगा है। सर ये अभी एग्जिस्टिंग डेटा जो है उसमें हम अभी भी ये मतलब मान के चले कि ये जो उम्रदराज लोग हैं 50+ वाले उनके लिए ज़्यादा फेटल है, और इसी में अगर आप एक छोटी सी चीज़ समझा दें हिंदी के ऑडियंस को कि कोमॉर्बिड कंडीशन क्या होती है। तो ये जो हमारा डेटा आ रहा है, सारी दुनिया का डेटा आ रहा है, उसमें ये देखा जा रहा है कि जिन लोगों की उम्र कम है उनमें जो मौत है वो तो बहुत कम है, 50 से उम्र से कम उम्र वालों में तो डेथ्स जो है वो बहुत कम है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, और ये मैं कहूँगा कि 60 साल से उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से ज़्यादा, तो वैसे ही आपकी जो डेथ रेट है वो बढ़ जाता है। इसलिए एक एज जो है वो एक रिस्क फैक्टर है। दूसरा, इसके साथ और जो आपके साथ बीमारियाँ हों एज के हिसाब से अलावा, वो भी रिस्क बढ़ा देती हैं। वो जो बीमारियाँ हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, या आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो, या फेफड़े कमज़ोर हों ब्रोंकाइटिस के कारण, या धूम्रपान करने के कारण, स्मोकिंग के कारण, या आपकी इम्यूनिटी कम हो, तो ऐसी जो शरीर में अगर आपके ऑलरेडी ये बीमारियां हैं तो ये जो वायरस है वो इसका फ़ायदा उठा के ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन करता है, जिससे
मौत के चांसेस या आईसीयू में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इससे कोलैटरल डैमेज का खतरा है सर, क्योंकि जो आपने जो बीमारियों को रेफर किया उनमें से ज्यादातर बीमारियां जो सीवियर इलनेस है उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा, ओपीडीज भी बंद है सर। कोलैटरल डैमेज के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और कुछ हद तक है भी, जैसे आपने कहा क्योंकि हम हमारा होल लाइफस्टाइल बदल गया है, जो हम जिस तरह से हम 3-4 महीने पहले जी रहे थे और अब हम जैसे जी रहे हैं और आगे कुछ टाइम के लिए जिएंगे वो बिल्कुल बदल गया है। फोकस ज़्यादा कोविड पे हो गया है, होना ही चाहिए क्योंकि एकदम उसमें डेथ्स का डर था कि हज़ारों में लोग मरेंगे, लेकिन हमें अब बैलेंस ट्राई करने की ज़रूरत है जिससे हम कोविड को भी देखें लेकिन जो नॉन कोविड लोग पेशेंट्स हैं उनकी उनकी डेथ्स ना बढ़ें, उनकी सफरिंग ना बढ़ें और उनका भी पूरी तरह से केयर किया जाए और उसमें एक बैलेंस करने की ज़रूरत है। IMA एक प्रोटेस्ट करने वाला था, लगातार डॉक्टरों की शिकायत आ रही कि N95 मास्क नहीं मिल रहे, PPEs नहीं मिल रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए शॉर्टेज N95 मास्क और PPE की कुछ हद तक शॉर्टेज थी, पर मेरा ये मानना है कि काफ़ी हद तक वो शॉर्टेज कम की गई है और इस पर बहुत काम हो रहा है। लेकिन एक और हमने जो सबक सीखा है हेल्थ सेक्टर में वो यही है कि हमें सेल्फ सफिशिएंट कई चीज़ों में होना पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हेल्थ सेक्टर को आगे ले जाने की और हेल्थ सेक्टर में जो चीज़ें जो हम पहले इग्नोर कर रहे थे वो उनको अब पुश करने की, जिससे हमारे कंट्री में हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्फ रिलायंस हो जाए और हम अपने आराम से इंडिपेंडेंटली अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकें। सर आखिरी सवाल, कि आपने तकरीबन 2 महीने पहले के एक इंटरव्यू में कहा था कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके सारे लक्षण जो हैं वो फ्लू के जैसे हैं। अब भारत में जो केसेस हैं 20,000 से ऊपर चले गए हैं, डेथ का नंबर भी काफ़ी ऊपर चला गया है, अगर किसी को फ्लू के सिम्टम्स होते हैं जो इसके सिम्टम्स है कोरोना के सिमिलर हैं, तो अब आप अलाउ करेंगे पैनिक होना? अब अलाउड है पैनिक की तो अभी भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो आपको यही कह रहा हूँ कि अगर आपको कोरोना वायरस इन्फेक्शन भी है तो 80-90% चांस है कि आपको कुछ नहीं होगा, आप घर आप आराम से 2 हफ्ते घर रहेंगे और आराम ठीक होके चले भी जाएंगे। हमारे सारे हद तक मेजॉरिटी 90% से ज़्यादा जो मरीज हैं वो ऐसे ही ठीक होके जा रहे हैं, सिर्फ 5-10% ऐसे मरीज हैं और उनमें से भी ज़्यादातर ऐसे हैं जिनको सिर्फ ऑक्सीजन की ज़रूरत है, बहुत कम ऐसे मरीज हैं जिनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है। कैसा फील कर रहे हो तो टेस्टिंग के लिए आगे बढ़े सर? उसके पूरे वो दिए हुए हैं कि अगर आप हॉटस्पॉट में हैं, अगर आपके लक्षण हैं, तो जैसे मैंने कहा कि अगर आप हॉटस्पॉट में हैं और अगर आपको बुखार है, जुकाम, नज़ला, गले में खराश, खांसी है, सांस की तकलीफ है, तो आपको टेस्टिंग करना चाहिए और वो उसके आपको पूरे गाइडलाइंस भी हैं और कहाँ पे करना है। अगर आप नॉन हॉटस्पॉट में, कोल्ड स्पॉट में हैं और आप किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट के कॉन्टैक्ट में नहीं आए हैं या आपकी कोई ट्रैवल की हिस्ट्री नहीं है बाहर की या किसी एरिया हॉटस्पॉट से, तो आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये आम जब मौसम बदलता है कुछ हद तक सबको बुखार, नज़ला होता है, वो ठीक हो जाता है अपने 4-5 दिन में। ठीक है, तो रणदीप सर बता रहे कि अभी भी पैनिक अलाउड नहीं है, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप कि प्रिंट के इस वीडियो से आपको आपने तमाम सवालों के जवाब मिले होंगे। ये थे मेरे साथ एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया सर, द प्रिंट के लिए मैं तरुण कृष्णा।